सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, फाइनली आप लोगों के डिमांड पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए KTM RC 200 2024 ब्लू कलर। एंड वैसे तो देखो कितना कुछ डिफरेंस है नहीं, जो ब्लैक कलर था एंड इसमें सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है। एंड जब तक मैंने इसको सामने से नहीं देखा तब तक मुझे लग रहा था कि यार ये कलर कौन ही लेगा, क्योंकि पिक्चर में यार उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन फ्लैश काफी बढ़िया लग रही है। एंड अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा ओवरऑल, मतलब कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। बाकी कुछ कुछ आप लोगों के क्वेरीज थे जिसका मैं इसमें आप लोग को आंसर दूंगा, बट उससे पहले आप लोग को बता दूं कि KTM RC 200, Duke 200 एंड Duke 250 के साथ अभी आपको KTM फ्री हेलमेट देगा वर्थ ₹5,500। सो दिस ऑफर इज वैलिड अनटिल दिस मंथ, सो हरी अप। बाकी गाइस, ओवरऑल बाइक की अगर मैं बात करूं तो जो अपनी 200 RC है और जो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पावर फिगर्स वही है, हार्डवेयर भी आपको वही मिलते हैं, वही सेम स्प्लिट रिलीज फ्रेम यहाँ पे देख सकते हो, एंड चैसिस बॉडी देन सब कुछ वही है। एंड जो मोटो जी भी है, देन ये वाला जो कलर है, देन जो ब्लैक कलर वाला वेरियंट है, इनमें कोई प्राइस का भी डिफरेंस नहीं है। सभी जो है आपको 2,57,000 ऑन रोड कोलकाता में आते हैं, एंड एग्जैक्ट फिगर्स आपको नीचे आ रहे होंगे। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कलर का ही डिफरेंस है। सो अभी मैं ओवरऑल यानी 360 आपको दिखाऊंगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। एंड ऑल्सो आप लोग काफी सारे सवाल थे लाइक इस बाइक में आप लोगों को स्लीपर क्लच मिलता है कि नहीं, देन थ्रॉटल आप लोग को राइड बाय वायर मिलता है कि नहीं, एंड और भी काफी सारे सवाल थे जिसका मैं इसमें आप लोगों को जवाब दूंगा। सो जो चीजें मिस हो गई थी वो थोड़ा सा मैं आप लोग को मतलब रिपीट कर दूंगा। बाकी स्पेक्स वगैरह मैं ज़्यादा रीड आउट नहीं करने वाला, आप लोगों को पता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, एंड ऑलरेडी इसका एक डिटेल वॉक अराउंड है। सो अभी सिर्फ दिखाते हैं आप लोगों को ये बाइक ओवरऑल दिख कैसी रही है। गाइस, पहले तो यहाँ पे टैंक देख सकते हो, सेम वही 13.7 लीटर का टैंक, एंड यहाँ पे मेटेलिक एंड यहाँ पे जो है फाइबर मिलता है आपको। ये जो फाइबर है ये पूरा मैट ब्लू है, एंड यहाँ पे जो आप ब्लू देख रहे हो ना, ये मतलब पिक्चर में समझ में नहीं आ रहा था, बट सामने जब मैं देख रहा हूँ तब क्या ही लग रही है, क्या ही जहर लग रही है। ये जो ब्लू कलर रखा गया इस बार ये एकदम जहर कलर है, बिकॉज पिक्चर में ना ये उतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, सामने से जब देख रहा हूँ ना मतलब अंडर लाइट्स कितना बढ़िया चमक रही है। एंड यस, यहाँ पे आप लोग ग्लिटर इफेक्ट मिल जाता है, सो ये यहाँ पे थोड़े स्पार्कलिंग चमकीला चमकीला इफेक्ट मिल जाता है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पे ऑरेंज में आप लोग KTM का स्टिकर मिल जाता है, ये अगर वाइट में होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता ये टंकी वाला पार्ट, बट ओवरऑल कुछ ऐसा लुक्स मिलता है टंकी का। एंड यहाँ पे जो फाइबर्स देख सकते हो, अच्छा बाकी पहले सामने से बता दूँ, सो सामने से लुक्स कुछ उतना डिफरेंस नहीं है, सामने से वाइजर जो है आपको पूरा टिंटेड मिलता है। एंड इसको थोड़ा सा ऑन करते हैं, सो DRL ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लगता है देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा था ये हेडलाइट का शेप इसमें मुझे उतना सही नहीं लगता, ड्यूक व्यूक में चल जाता है ये जो स्प्लिट LED हेडलाइट है। बाकी यस, इसमें आपको LED हेडलाइट मिलता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज टिंटेड। एंड फॉरेन में आपको शायद इसमें हैलोजन का भी एक आता है, तो ऑल्सो इसका ऑफिशियल साइट में जो दिया है पिक्चर उसमें हैलोजन आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये वाला जगह एकदम सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। बट हमारा जो इंडियन वेरियंट आ रहा है उसमें यहाँ पे LED मिलता है आपको, सो ये वाला जगह काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी एक और चीज़ आप लोग को दिखा दूँ, आपको यहाँ पे एक छोटा सा मेटल का ऐसा बैश प्लेट टाइप का मिलता है, सो ये एक अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे पूरा फाइबर है बट यहाँ पे छोटा सा एक मेटल का पीस आप लोगों को मिल जाता है। एंड बाकी कलर स्कीम आप लोगों को तीन मिलते हैं, एंड जो मोटो जीबी वाली एडिशन थी वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, सो यू आर स्टिल गेटिंग दैट। ब्लैक वाला पहले ही देख चुके हैं, एंड ये ब्लू वाला कुछ साइड से ऐसा लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा बॉडी में RC लिखा हुआ है, एंड दिस इज स्टिकर यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने दिखा ये वाला पार्ट पूरा मैट ब्लू है, एंड ये स्टिकर है उसके ऊपर देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही स्टिकर है। यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे रेडी टू रेस, ये जो है पूरा स्टिकर का ही पार्ट है। एंड बाकी यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक में ये फेंडर मिल जाता है, एंड ये वाला जो फेंडर है ये पूरा आप लोगों को ब्लू में मिलता है। एंड ये जो ब्लू है ये ग्लॉस ब्लू ये काफ़ी चमक रहा है, सो इन फ्लैश काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बट ये भी बात है कि ये जिन लोगों को थोड़ा वाइब्रेंट कलर पसंद है, यानी थोड़ा सा चमकीला देन थोड़ा सा ब्राइट कलर, उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो अलॉयज आपको जो है ऑरेंज में मिलता है। एंड ट्रेलिस फ्रेम फ्रंट यानी कि जो मेन फ्रेम है ये ब्लैक में मिलता है, एंड जो सब फ्रेम है वो आपका मिलेगा ऑरेंज में। एंड 125 में आपने देखा कि पूरा ही जो है सब फ्रेम मेन फ्रेम सब कुछ ब्लैक में है, एंड 390 में जो सब फ्रेम मेन फ्रेम सब जो है पूरा ही ऑरेंज में है, सो इसमें आप लोग डुअल टोन में मिलता है ये चीज़। बाकी सीट्स आपको वही सेम जैसे RC में मिलते हैं, वही सेम है।
एंड यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो फेंडर है, ये पैनल आपको ग्लॉस ब्लू यानी कि जो चमकीला ब्लू, इसको क्या बोलते हैं मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मेटालिक ब्लू और समथिंग, सो उसमें मिलता है। एंड ये कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी इसके नीचे आप देख सकते हो रियर से बाइक कुछ ऐसा लग रहा है। जो टेल लाइट्स है आप लोगों को पता ही है, जो नई वाली RC है, काफ़ी बढ़िया टेल लाइट्स कर दिया गया है इसका। एंड जो बाकी यहाँ पे जो फाइबर पैनल देख रहे हो, ये कोई स्टिकर नहीं है, ये पूरा ही जो है मैट ब्लैक में है। एंड यहाँ पे छोटा सा एक रेडी टू रेस का आप लोग को स्टिकर मिल जाता है बस, बाकी जो पूरा फाइबर का पार्ट देख सकते हो ये पूरा ही मैट ब्लैक है। बाकी देखो कलर ही चेंज है, तो कलर मैंने आप लोग को दिखा दिया ओवरऑल कैसी लग रही है नहीं लग रही है। दिस मैट ब्लू एंड ग्लॉस ब्लू या मेटालिक ब्लू, इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्टिकरिंग थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, बट टू बी ऑनेस्ट उतना ख़राब नहीं लग रहा, बिकॉज कलर काफ़ी बढ़िया रखा गया है। कलर स्कीम इस बार वाकई में KTM ने काफ़ी बढ़िया चूज़ किया है, कुछ अलग लग रहा है। बाकी जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे इसमें आप लोग को स्लीपर क्लच मिलता है कि नहीं, तो जैसा मैं सुनने में आ रहा था, देखो स्लीपर क्लच अब मुझे कहा गया कि लास्ट ईयर से आ रही है, बट जो लास्ट वाला वीडियो जिन्होंने देखा उनको मालूम होगा मैंने इसमें टेस्ट किया था स्लीपर क्लच मिलता है कि नहीं। तो जब मैंने एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट किया था तब एक झटका मिला था। एंड ऑल्सो जो इसकी साइट है, साइट में भी कहीं पर मैंशन नहीं है। अब देखो साइट में काफ़ी चीज़ रहते हैं जो हमारे इंडियन स्पेक्स के साथ मैच नहीं होते, सो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अभी तक स्लीपर क्लच आप लोगों को नहीं मिलता। एंड थ्रॉटल आपको कन्वेंशनल मिलता है, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे राइड बाय वायर मिलता है कि नहीं, सो 200 में नहीं मिलता, 390 में बेशक मिलता है। एंड बाकी कूलिंग आप लोगों को मालूम है इसमें लिक्विड कूलिंग मिलता है आप लोगों को, बट काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया इसमें कर्व रेडिएटर्स मिलता है या फिर नॉर्मल रेडिएटर्स मिलता है, तो भाई इसमें कर्व रेडिएटर्स मिलते हैं। ये जो पार्ट है ये पूरा ही कर्व्ड है। लास्ट टाइम मैंने जब इसको चलाया था तब मैंने कहा था कि मेरे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे थोड़ा सा हीट मुझे फील हो रहा था, यानी जब मैं इसको सिटी में चला रहा था। एंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो इसका रेडिएटर है, सो रेडिएटर फैन का हवा थोड़ा बहुत लेफ्ट पैर में आपका फील हो सकता है। एंड ये मैंने ऑलरेडी इसका जो राइड रिव्यू है वो वाला वीडियो में कवर किया था। बाकी देखो बाइक चलाने में काफी बढ़िया है, एंड अगर आपने इसका राइड रिव्यू नहीं देखा तो जरूर से चेकआउट करना। बाकी इस वाले वीडियो में मैं ज्यादा स्पेक्स वेक्स रीड आउट नहीं करने वाला, एंड ये बस एक नया कलर स्कीम था जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, बाकी मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ कुछ और अगर मुझे डिफरेंस मिलता है तो। बाकी अभी एक और चीज़ आप लोग मुझे बताओ, अभी मैं इसका आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा, एंड वैसे तो पहले भी सुना चुका हूँ बट जस्ट हियर इट वंस अगेन। सो कुछ ऐसा था इसका एग्जॉस्ट नोट। एंड अभी बाहर अपनी BS4 RC रखी हुई है, सो अभी इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनो आप। सो ये था डिफरेंस दोनों का एग्जॉस्ट नोट में। एंड आप में से काफ़ी लोग ना मुझसे पूछते थे कि भैया आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुना तो देते हो बट कैसा लगा बताते नहीं हो। तो देखो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो एग्जॉस्ट नोट था यानी जो पुरानी वाली KTM का BS3 BS4 का, इनका जो एग्जॉस्ट नोट था उसमें एक आइकॉनिक साउंड था, एक पॉपिंग नोट था, बट अभी का जो RC 200 है या RC 390 है उसमें मैं वो चीज़ मिस करता हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। सो येस आई मिस दिस ओल्ड एग्जॉस्ट नोट, दिस पॉपिंग साउंड, ये जो है अभी वाले RC 200 में नहीं है। तो दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को मैं एग्जॉस्ट नोट सुना तो देता था बट उस पर कुछ कमेंट या कुछ टिप्पणी नहीं करता था, बिकॉज अभी वाला जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मुझे उतना कुछ पसंद नहीं। अब काफ़ी लोगों को पसंद आ सकता है बट मुझे लगता है कि अगर मुझे एक शांत मोटरसाइकिल खरीदनी होती तो मैं होंडा पे जाता, मैं KTM पे क्यों जाता। मतलब इसकी जो आइकॉनिक साउंड है वो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल के जनरेशन वाले RCs में मिस करता हूँ। सो एनीवेज गाइस, बाकी दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दिस बाइक, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। बाकी प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, 2,57,000 ऑन रोड कोलकाता जैसे कि मैंने कहा। सो GP एडिशन लो या ये वाला लो या फिर जो ब्लैक वाला है वो वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कौन सा कलर सबसे बढ़िया लगा। एंड ये था एक वीडियो KTM RC 200 2024 ब्लू कलर पे। एंड बाकी अगर आप लोगों को इसका डिटेल वॉक अराउंड चाहिए तो इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया ऑलरेडी डिफरेंसेस की, उसमें ब्लैक कलर वाली जो RC 200 थी वो थी, बट स्पेक्स जो है इसके और उसके दोनों के सेम है, बस कलर का ही डिफरेंस है। बाकी ये वाला वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नया तो डू सब्सक्राइब, बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा है फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो को व्लॉग में, तब तक राइड हार्ड राइड सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।